तो तुम्हारे पास चार पैसे क्या आ गए? तुम ओटीटी सब्सक्रिप्शन लोगे? बिल्कुल लोगे, क्यों नहीं लोगे, ऐसे ही तो इकोनॉमी काम करती है। लेकिन आपका बजट कुछ ऐसा है कि अगर सारे ही सब्सक्रिप्शन ले लिए तो भाई खत्म हो जाएगा मैटर, एंड अगर सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लिया तो मजा नहीं आएगा। इसी दुख दर्द को दूर करने के लिए ओटीटी एग्रीगेटर्स आए थे, जिनका काम था बंडल में ओटीटी सब्सक्रिप्शन ऑफर देना, ताकि आप एक बार पे करो एंड आपके सारे सब्सक्रिप्शन जल जाए और पैसे भी बच जाए। एंड तुम्हारे भाई यानी डायरेक्ट पॉइंट ने सारे इस देश का एक एक ओटीटी एग्रीगेटर ट्राई कर रखा है। मतलब पाजी मैंने कोई छोड़ा ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में बताने वाला हूँ कौन सा ओटीटी एग्रीगेटर आपके लिए बेस्ट है एंड आपको सब्सक्राइब करना ही चाहिए। वीडियो के एंड तक आपको फाइनल वर्डिक्ट मिल जाएगा। देखो ओटीटी एग्रीगेशन ऑफर की जाती है तीन अलग अलग टाइप ऑफ सोर्सेज से, जिसमें पहला डिवीजन है टेलीकॉम का। टेलीकॉम में जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, ये तीनों ही ओटीटी एग्रीगेशन सर्विसेज ऑफर करती हैं अपने एप्स के द्वारा। जियो का जियो टीवी प्लस, एयरटेल का एयरटेल एक्सट्रीम प्ले एंड वोडाफोन आइडिया का वोडाफोन आइडिया मूवीज एंड टीवी। फिर सेकंड कैटेगरी में डीटीएच ऑपरेटर्स या अदर पार्टीज आपको ओटीटी एग्रीगेशन ऑफर करती हैं, जिसमें टाटा प्ले, वॉचो, ओटीटी प्ले, प्ले बॉक्स टीवी आ जाते हैं, जहाँ पे टाटा प्ले का है टाटा प्ले बिंज एंड डिश टीवी का है वॉचो। अब जो थर्ड कैटेगरी है उसमें सिर्फ एक ही ऐप है एंड वो ओटीटी एग्रीगेटर तो नहीं है लेकिन है सब्सक्रिप्शन एग्रीगेटर। मैं बात कर रहा हूँ टाइम्स प्राइम की, जो आपको मल्टीपल सब्सक्रिप्शन एक ही सब्सक्रिप्शन के अंडर देते हैं, चाहे वो ओटीटी का हो या फिर किसी भी चीज का। बहुत ज्यादा बेनिफिट्स तो मजे आने वाले हैं दोस्त, बैठ जाओ एंड वीडियो एंजॉय करो। और हाँ, ये वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो होने वाली है, इसलिए तीनों कैटेगरीज के जो प्लेयर्स हैं उनका सेम सब्सक्रिप्शन प्राइस पे कंपैरिजन होगा। भले ही कोई प्लेटफॉर्म ज्यादा अच्छी सर्विस देता हो, बट हमें यहाँ पे कंपेयर करना है कि सबसे कम में सबसे ज्यादा मजा कहाँ मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं हम टाइम्स प्राइम से। देखो टाइम्स प्राइम एग्जैक्टली है क्या, इसमें एक प्राइम मेंबरशिप रहती है जो कि साल की है 1200। लेकिन मजे की बात यह है, अगर आप टाइम्स प्राइम का सब्सक्रिप्शन मेरी लिंक द्वारा लेते हैं तो आपको ये 1200 का साल का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 800 रुपए में पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर सब्सक्रिप्शन लेना हो ये वीडियो देख के पसंद आ जाए तो मेरी ही लिंक से लेना, हमारे लिए 400 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। अब टाइम्स प्राइम बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि सिर्फ ओटीटी ही नहीं, यहाँ पे सब कुछ मिलता है, फूड, मेडिसिन, शॉपिंग से लेके एंटरटेनमेंट, मीडिया, म्यूजिक, सबके सब्सक्रिप्शन एक साल के लिए आपको मिल जाते हैं। मतलब जो आपको मिलेंगे वो थोड़ी कम वैलिडिटी के लिए मिलेंगे, लेकिन जैसे टाइम के साथ इस सब्सक्रिप्शन में काफी सारी नई चीजें ऐड होती रहती हैं, आपको वो सब भी मिलेंगी जब तक आप टाइम्स मेंबर हो। महीने में टाइम्स प्राइम आपको पड़ेगा सिर्फ 66 रुपीज का, अपने ही कैटेगरी में सबसे ज्यादा सस्ता। इनफैक्ट हर एक अलग ओटीटी एग्रीगेटर से सबसे ज्यादा सस्ता। भैया इसमें आपको मिलेगा क्या? यहाँ पे मिलेगा आपको 6 महीने का डिज्नी प्लस हॉटस्टार सुपर सब्सक्रिप्शन, 6 महीने का सोनी लिव प्रीमियम, 3 महीने का डिस्कवरी प्लस प्रीमियम, 4 महीने का YouTube प्रीमियम, 6 महीने का जियो सावन, 1 साल का गाना प्लस का सब्सक्रिप्शन, 1 महीने का फैन कोड का सब्सक्रिप्शन, एंड रिसेंटली में क्यूरियोसिटी स्ट्रीम ऐड हुआ है जहाँ पे 1 महीने का क्यूरियोसिटी स्ट्रीम भी मिलेगा। पाजी देख रहे हो साल के 800 रुपए में क्या क्या मिल रहा है, एंड ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, बाकी सब चीजों पे डिस्काउंट्स, ऑफर्स और भी सब्सक्रिप्शन, जैसे क्रिक बज हो गया, ईटी प्राइम, प्लाना ब्लाना, स्विगी के वाउचर्स, KFC के वाउचर्स, मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट है यार इस सब्सक्रिप्शन में। वो सब मैं बताने नहीं वाला वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप वेबसाइट पे जाके, टाइम्स प्राइम की वेबसाइट पे जाके सब कुछ चेकआउट कर सकते हो। तो अभी के लिए तो टाइम्स प्राइम ही विनर होगा। 66 रुपीज में क्या क्या मिल रहा है। अब जी हम आते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी में, जहां हम कंपेयर करने जा रहे हैं वॉचो को। वॉचो डिश टीवी की एक सर्विस है लेकिन इसको कोई भी यूज कर सकता है, एंड इस वीडियो में कंपेरिजन के लिए हम वॉचो का फ्लेक्सी 3 यानी 229 रुपीज वाला प्लान लेने वाले हैं। एंड बिलीव मी आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल यही रहने वाला है। इस प्लान में आपको 12 ओटीटी तो फिक्स मिलने वाले हैं, लेकिन इसमें आपके काम के बस डिस्कवरी प्लस, फैन कोड और हंगामा रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे मजे की बात यह है कि सेमी प्लान में 12 से अलग 3 ओटीटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड आपको इन एप्स की चॉइस मिलती है जहाँ पे आप डिज्नी प्लस, सोनी लिव, Z5, लॉन्चगेट प्ले एंड और भी रीजनल ओटीटीज में से 3 सेलेक्ट कर सकते हो। एंड भाई फॉर श्योर ये प्लान बहुत ज्यादा सॉलिड है। एंड अब मैं वॉचो के एक्सपीरियंस की बात करूं तो इसका टीवी ऐप काफी बढ़िया है, बहुत अच्छे से चलता है, काफी कंटेंट आप ऐप में ही देख सकते हो, लेकिन डिस्कवरी प्लस, डिज्नी प्लस, Z5 ऐसे एप्स के सब्सक्रिप्शन वहीं पे एक्टिवेट होंगे। मतलब डिज्नी सिर्फ डिज्नी पे चलेगा, Z सिर्फ Z पे, एंड ये भी अच्छी बात है। फोन का ऐप भी वॉचो का कमाल है, ये आपको प्रोफाइल्स के ऑप्शन देते हैं जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ अपना सब्सक्रिप्शन शेयर भी कर सकते हैं। बाकी वो जो थोड़े एडिशनल ऑफर भी देता है, जिसकी बात किसी और वीडियो में। अब चलो बात करते हैं ओटीटी प्ले की, जो कि बस एक न्यूज मीडिया आउटलेट था, ओटीटी एग्रीगेटर बन गया। एंड यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे ओटीटी प्ले का झकास मंथली, जो कि 249 रुपीज में आता है। अब यहाँ पे आप वॉचो की तरह कुछ सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको ये सारे ऐप मिलने वाले हैं। यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये है कि हॉटस्टार आपको नहीं मिलता, एंड एक एडवांटेज ये है कि ओटीटी प्ले पे आपको वैरायटी मिलती है। जैसे इंग्लिश कंटेंट के लिए वॉचो थोड़ा सा अच्छा है, जहाँ पे आपको सिनेमा वर्ल्ड मिल गया, आप जानते नहीं होंगे पर अच्छी मूवीज है यहाँ पे, सोनी है, लॉयंस गेट प्ले है,
एंड अपना VR OTT है, ये वॉचो नहीं कर सकता था। तो भाई OTT प्ले के भी अपने बेनिफिट हैं, पर हॉटस्टार नहीं है। महंगा तो खैर इतना नहीं है, बस 20 रुपए का फर्क है वॉचो से। लेकिन बात आती है एक्सपीरियंस की। देखो इनका टीवी ऐप नो डाउट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, एंड मोबाइल ऐप भी इनका धीरे धीरे अच्छा डेवलप हो रहा है। जैसे रिसेंटली इन्होंने प्रोफाइल का ऑप्शन भी ऐड कर दिया था, जहां आप अपनी फैमिली के साथ अपना सब्सक्रिप्शन शेयर कर सकते हैं। लेकिन OTT प्ले का मोबाइल वाला प्लेयर एकदम खराब है, आप अपनी मूवीज को जूम नहीं कर सकते, जो आपको फॉर्मेट मिलता है वहीं पे देख सकते हैं बस। सबटाइटल सेटिंग्स भी इतनी बेटर नहीं है। कुल मिलाकर इनका मोबाइल ऐप इतना ज्यादा अट्रैक्टिव या बढ़िया नहीं है। लेकिन इनका टीवी ऐप हूबहू कॉपी है नेटफ्लिक्स के टीवी ऐप की, डिटो सेम सा लगता है, एंड एक्सपीरियंस में वॉचो के टीवी ऐप से बेटर है। तो रही ये चीजें, तो अगला नंबर है भैया प्ले बॉक्स टीवी का, एंड ये आपको सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं ISP से, या फिर आप खुद भी ले सकते हो। मतलब नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। अगर आपका कोई लोकल ब्रॉडबैंड है एंड उनकी डील हो रखी है प्ले बॉक्स टीवी के साथ, तो जो OTT आप अपने ब्रॉडबैंड से परचेज करेंगे, जो बंडल उनसे परचेज करेंगे, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्ले बॉक्स टीवी पे। ये लोग ऑटोमेटिकली ही आपका फोन नंबर आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन से लिंक कर देते। बाकी अगर आपके पास ब्रॉडबैंड नहीं है, तब भी आप इनसे सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो इनके दिए बंडल्स पर। एंड इनका मंथली में सिर्फ एक ही बंडल है, जो है 149 रुपीज का, जो कि कॉम्पिटिशन से काफी सस्ता। देखो भाजी, ये अब सस्ते के साथ साथ किफायती भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहा है Disney+ का सब्सक्रिप्शन, SonyLIV का सब्सक्रिप्शन, ALTT का सब्सक्रिप्शन, एनकोड एंड बाकी टू बी ऑनेस्ट बकवास है। लेकिन 150 रुपया में तुम क्या क्या लोगे? ऑल्सो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इनका टीवी ऐप घटिया है, इनका मोबाइल ऐप घटिया है। लेकिन उसको भी ये लोग कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि मेजोरिटी सब्सक्रिप्शन जो यहाँ पे ऑफर होते हैं, वहाँ पे आपको कोड मिल जाता है, एंड आपने सब्सक्रिप्शन खुद एक्टिवेट करना पड़ता है रेस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म पे। डिज्नी सिर्फ डिज्नी पे चलेगा, सोनी सिर्फ सोनी पे, Discovery+ सिर्फ Discovery+ पे, ALTT सिर्फ ALTT पे, गाना सिर्फ गाना पे। तो देखा जाए फायदेमंद काफी है, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करता ऑल इन वन वाली, क्योंकि बंडल इसलिए लेना था क्योंकि सब कुछ एक ही जगह देखने को मिले। एक आधे ऐप का समझ आता है, लेकिन सबका। वैसे प्लेबॉक्स टीवी के ईयरली और क्वार्टर प्लान्स भी हैं, जो कि मेरी नजरों में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन ये वीडियो उसके बारे में नहीं है, वो फिर कभी। लेकिन यहाँ पे हमने बस अपना बेस कंपेरिजन करना था। अब चलो सेकेंड कैटेगरी का फाइनल प्रोडक्ट, हमारे टाटा प्ले की तरफ से टाटा प्ले बिंज। एंड इस वीडियो के कंपेरिजन के लिए हम टाटा प्ले का फ्लेक्सी प्लान कंपेयर करेंगे, जो की 199 रुपीज का आता है, एंड इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं। इस प्लान में आपको कंप्लीट चॉइस मिलती है कि आप उन्हीं OTT के पैसे दें जो आपने देखने हैं। यहाँ पूरी एक लिस्ट खुल के आ जाती है, जहाँ पे आपको 2 प्रीमियम एक्स्ट्रा ऐप मिलते हैं, जो और कोई ऑफर नहीं करता पूरे मार्केट में। आप इन ऐप्स में से कोई से भी 6 सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें Apple TV+ और प्राइम वीडियो भी है। लाइक 199 रुपीज में कुछ 50 रुपए सस्ता OTT प्ले और वॉचो से, वो लोग आपके काम के कुछ 3-4 ऐप देंगे, ये 6 के 6 लेंगे। आप प्राइम ले लो, हॉटस्टार ले लो, Apple TV+ ले लो, Lionsgate+, Sony Z5, ये सारे ऐप सिर्फ 199 रुपीज में। एंड इनका टीवी ऐप बहुत ही ज्यादा शानदार है, एंड फोन ऐप भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। बस इसके मोबाइल ऐप में थोड़े बहुत बग्स आते हैं, जो मैंने नोटिस किए हैं, पर मूवीज देखने के लिए बढ़िया है। इसका भी ऐसा ही है, जिन चीजों का सब्सक्रिप्शन कहीं और चलेगा वो चलेगा ही वहाँ। जैसे एप्पल से Apple TV+ से एक्टिवेट होगा, प्राइम वीडियो से प्राइम वीडियो पे होगा, हॉटस्टार से हॉटस्टार पे होगा। आपने यहाँ से बस एक्टिवेट करना है, बाय करना है, चलेंगे सब्सक्रिप्शन रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म्स पे ही। दैट मेक्स इट द मोस्ट वैल्यूएबल, वैल्यू फॉर मनी, एफिशिएंट, प्लाना वलाना सब कुछ है भाई टाटा प्ले बिंज। भाई नशे फूक के इन्होंने बंडल बनाया, एंड क्या आग बंडल बनाया, आपको शायद पहले ही पता चल गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, 3 बलाएं और रहती हैं कंपेयर करने को। चलो अब हम अपनी पहली श्रेणी में आते हैं, ये है श्रेणी टेलीकॉम की, जहाँ पे टेलीकॉम ऑपरेटर्स आपको बंडल सर्विसेज ऑफर करते हैं अपने खुद के प्लेटफॉर्म पर। इसमें जियो और एयरटेल का सिर्फ एक ही प्लान है, जो आप अलग अलग रिचार्जेस में ले सकते हो, मोस्टली रिचार्जेस में ये इंक्लूड ही होता है। पर वोडाफोन आइडिया की सर्विस एक सब्सक्रिप्शन मॉडल के तहत ही काम करती है, जहाँ पे 3 अलग अलग प्लान है, अलग अलग प्राइसेस के, जो आपको अपने रिचार्ज से अलग करवाने पड़ेंगे। तो भाई टेलीकॉम है, आप अपने मोबाइल रिचार्ज के साथ कुछ देखना चाहते हैं, अपने फोन पे कुछ एंजॉय करना चाहते हैं, यही अज्यूम करके हम मोबाइल प्लान्स के लिए कंपेयर करेंगे। फॉर श्योर आप टीवी, लैपटॉप, किसी भी डिवाइस पे ये सर्विसेज यूज कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम मोबाइल प्लान्स कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आता है भैया जियो का Jio TV+, जो पिछले साल दिसंबर में इंट्रोड्यूस हुआ, एंड इनका जो बेसिक प्लान है, इस वीडियो के लिए हम कंपेयर करेंगे इनका इसका प्लान। एंड इतने में क्या मिलता है, सब कुछ। देखो पाजी, 175 रुपीज में मिलेंगे आपको ये सारी OTT मिल नहीं मिलने हैं, लेकिन सारे के सारे मिलेंगे Jio TV के ऐप में। बस यहाँ पे जियो सिनेमा प्रीमियम का प्रोमो कोड मिल जाएगा, उसको आप लगा सकते हो जियो सिनेमा के ऐप पर, जियो सिनेमा ऐप पर। बाकी जितने भी ऐप्स यहाँ शो हो रहे हैं, वो Jio TV के ऐप पे चलेंगे, इसमें कोई कैच नहीं है, सिंपल सी बात है। साथ में आपको 10 GB का डेटा भी मिलेगा, क्योंकि भाई स्ट्रीम भी तो करना है। 10 GB इंटरनेट मिल रहा है, इतना सारा OTT सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, कैच बस यही है कि सर्विस इनकी घटिया है। सबसे पहले OTT तो यहाँ पे ज्यादा
ज्यादा दे दी है, लेकिन कुछ OTT में कंप्लीट कंटेंट नहीं मिलता, जैसे कि डिस्कवरी प्लस। सोनी लिव के भी कुछ टाइटल्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। जियो टीवी के ऐप की बात की जाए तो इनका ऐप बहुत ही ज्यादा रद्दी है। व्यूइंग एक्सपीरियंस इसका इतना ही है, आपको 10 GB मिलेगा, हर एक OTT प्लेटफॉर्म से थोड़ा थोड़ा कंटेंट एंड एक बेकार ऐप। अगली हम बात करते हैं एयरटेल के एक्सट्रीम प्ले की। अब एयरटेल का एक्सट्रीम प्ले आता है 181 रुपीज के सब्सक्रिप्शन के साथ, क्योंकि भैया कॉम्पिटिशन बनाए रखना है। 6 रुपए ज्यादा में ये 5 GB एक्स्ट्रा डेटा देते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा 15 GB का एक्स्ट्रा डेटा साथ में OTT सब्सक्रिप्शन, जैसे कि सोनी लिव, लॉयंसगेट प्ले, फैनकोड। ये लोग कुछ भी डाइवर्ट नहीं करते हैं, सारे के सारे OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन इनके ही ऐप पे चलता है, एयरटेल एक्सट्रीम प्ले, जो कि बहुत ही ज्यादा मक्खन है। इनका मोबाइल का ऐप, इनका टीवी का ऐप, इनकी वेबसाइट, तीन भाई तीनों तो भाई बहुत ही ज्यादा मक्खन काम करती है। आपको एक प्रीमियम सीमलेस एक्सपीरियंस देती है, लाइव वगैरह सब इनेबल है, आपको रियल टाइम कंटेंट देखने को मिलता है। कुछ टाइटल्स यहाँ पे भी मिसिंग रहेंगे, जो आई थिंक हर एक OTT बंडल की प्रॉब्लम है, बट मोर ओवर आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा OTT मिल जाते हैं, लेकिन आपके काम के थोड़े ही होंगे, लेकिन फिर भी बढ़िया मजा है। 15 GB का इंटरनेट है तो बॉस एक्सपीरियंस वाइज तो ये फाड़। अब भाई इस देश का सबसे नया और आखिरी OTT एग्रीगेटर जो कि फिलहाल में ही लॉन्च हुआ था, एंड ये है वोडाफोन आइडिया का वी मूवीज एंड टीवी, जिसको VIMTV भी बोलते हैं। एंड इस कैटेगरी में, यानी टेलीकॉम कैटेगरी में, ये बेस्ट ऐप है, क्योंकि ये एक लौता ऐप है जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ऑफर करता है। लेकिन इस वीडियो के लिए हम इनका मोबाइल प्लान कंपेयर करेंगे, जो कि इनके कॉम्पिटिटर से काफी ज्यादा सस्ता है, 154 रुपीज का वी मूवीज एंड टीवी लाइट। अब इसमें आपको ये OTT मिलता है जिसमें सोनी लिव आ गया, Z5 आ गया, तुम्हारा उल्लू आ गया, फैनकोड आ गया, और भी हंगामा शेमारू जैसे एक्स्ट्रा एप्स, जो कि इस प्राइस रेंज में बढ़िया है। ये लोग भी ज्यादा डाइवर्ट नहीं करते, सारा कंटेंट इनके ही ऐप पे प्ले होता है, बस Z5 और हॉटस्टार अपने अपने प्लेटफॉर्म पे, बाकी सब यही चलेगा। बाकी इनका ऐप, इनका टीवी ऐप, इनकी वेबसाइट भी वही सिनारियो है, तीन भाई तीनों तो भाई, क्योंकि ये लोग भी प्रीमियम एक्सपीरियंस देते हैं, सीमलेस एक्सपीरियंस देते हैं, इसमें कंटेंट देखने में तो एटलीस्ट मजा आता है। लेकिन इसका जो 154 वाला प्लान है ना, उसको सिर्फ आप मोबाइल पे देख सकते हो। बाकी इसका 202 रुपए का प्लान है जिसमें टीवी, मोबाइल, वेबसाइट कहीं पे भी आप देख सकते हो, लैपटॉप किसी भी डिवाइस पे, एंड उसमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी मिल जाता है। एंड ये देने के बाद भी वो अपने कॉम्पिटिशन के काफी क्लोज है, क्योंकि एयरटेल का फिक्स है 181 का एंड जियो का 175 का। यहाँ पे तो विनर वोडाफोन आइडिया है, लेकिन ऑल ओवर विनर कौन है? सर्व गुण संपन्न OTT एग्रीगेटर। तो भैया जी, इस वीडियो में हमने इस देश के 8 OTT एग्रीगेटर कवर किए हैं, एंड सिर्फ यही OTT एग्रीगेटर है जो सभी OTT सब्सक्रिप्शंस की बत्ती बनाते हैं, तुम्हें दे देते हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस पे। एंड मैं, जिसने ये सारे यूज कर रखे हैं, उसके एक्सपीरियंस में कौन सा है बेस्ट लेने के लिए? जी हाँ, जो विनर है आपको लेना चाहिए वो है टाटा प्ले बिंज। भैया इनसे तगड़ा बंदा यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। प्राइम सबसे ज्यादा सस्ता है एंड सबसे ज्यादा किफायती भी, लेकिन वो आपकी सारी OTT नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता, कोई सा भी OTT एग्रीगेटर नहीं कर सकता। लेकिन टाटा प्ले बिंज आपको हर प्राइस रेंज में चॉइस देता है। लाइक अगर आपने 4 ऐप भी देखने हैं तो 149 रुपीज वाला प्लान ले लो। एंड इनका जो एक्सपीरियंस है एंड जो प्रीमियम ऐप ये चीप पे दे रहे हैं, वो तो भाई अनबीटेबल है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आई होप सो मैंने आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दी होगी, मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। अब बस सारा क्वेश्चन आपकी कन्वीनियंस और डिमांड का है कि आपका यूज क्या है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। एंड इंस्टाग्राम पर हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया को फॉलो कर लो, एंड कोई क्वेश्चन है तो वो भी इंस्टाग्राम पे पूछो। सी या।